सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग गुरु जी चैनल के एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं स्वप्निल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछले एक महीने से थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। अभी भी आवाज़ उतनी ठीक नहीं है जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए, पर इस एक महीने के अंदर जो प्यार आप सभी ने दिखाया, जो सपोर्ट आप सभी ने हमारे चैनल के ऊपर दिखाया, उस सभी के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस एक महीने के अंदर जितने सवाल आपने हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछे, उन सभी सवालों के जवाब मैंने देने की पूरी तरह से कोशिश की, मगर इन सारे सवालों से मुझे एक बात समझ में आ गई कि हमारे व्यूअर्स को इन्वेस्ट करने में काफ़ी रुचि है। यानी हमारे सारे व्यूअर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर उनकी इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस जो है वो क्लियर नहीं है। तो आज इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं वो बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त बिल्कुल भी मदद करेगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, सो आगे चलकर आने वाले मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहला पॉइंट जो आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त याद रखना है वो है लिंक योर इन्वेस्टमेंट विद फाइनेंशियल गोल्स। यानी दुनिया में अगर कोई भी चीज विदाउट एम या फिर विदाउट गोल चल रही है तो उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकलता। ठीक उसी तरह आप जब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तभी एक फाइनेंशियल गोल को आप अपनी जहन में रखें। फाइनेंशियल गोल यानी कुछ भी हो सकता है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फाइनेंशियल गोल की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ड्रीम होम भी हो सकता है, एक आलीशान कार भी हो सकती है, या फिर मेरा एक ड्रीम बिजनेस भी हो सकता है। सो आप कभी भी एक बात जरूर याद रखिए कि पैसा तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप अपने मन में एक फाइनेंशियल गोल को लेके चल रहे हो। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर एक फिक्स इनकम देने वाली स्कीम में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। एक और जरूरी बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को नोट डाउन करके रख दीजिए, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तब उस फाइनेंशियल गोल की वैल्यू कितनी थी और आप जब उस फाइनेंशियल गोल के नजदीक पहुंचते हैं तब उसकी क्या वैल्यू है, ये आपको पता चल सके। पॉइंट नंबर टू, डोंट बोरो टू मच टू फुलफिल योर ड्रीम्स। यानी अगर जरूरत हो तभी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई करें। जरूरत से ज्यादा लोन लेने से आप अपने फाइनेंशियल बजट का संतुलन खो देंगे, इसलिए जितनी अमाउंट की जरूरत हो उतनी अमाउंट का लोन आप अप्लाई करें। एक सिंपल फंडा में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपके हाथ में आने वाली सैलरी से 40% अमाउंट अगर आप किसी लोन की इंस्टॉलमेंट के लिए पे करते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है अपने फाइनेंशियल बजट को हैंडल करने का, क्योंकि बचे हुए 60% सैलरी में से आपको अपना घर चलाना है, अपने घर का लाइट बिल, वाटर बिल, सभी बिल्स का पेमेंट करना है, आपको सेविंग्स भी करनी है, बच्चों की ट्यूशन फीस भी पे करनी है, यहाँ तक कि पेट्रोल और फ्यूल के चार्जेस भी इसमें से पे करने हैं, और बची हुई जो अमाउंट है उसमें से आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो इन सारी चीजों को याद रखने के बाद ही आप किसी भी लोन को अप्लाई करें। यहाँ पे मैं और एक एडिशनल एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए मैंने एक बैंक से हाउसिंग लोन लिया है जिसका इंस्टॉलमेंट बाय डिफॉल्ट मेरी सैलरी अकाउंट में से जाता है, और अगर मेरी शादी हो चुकी है तो मेरी वाइफ की जो सैलरी है वो बैलेंस बचती है जिससे मैं मेरे घर का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ, ऊपर से सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीजें मैं मेरी वाइफ की सैलरी में से कर सकता हूँ। आगे चलकर ऐसा मान लीजिए हम दोनों को लगा कि हमें एक कार लेनी चाहिए जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मगर हमें लगा कि हमें एक कार लेनी चाहिए, तो हमें जो कार लेनी है वो भाई 10 लाख रुपए की है। मेरी सैलरी में तो ऑलरेडी एक हाउसिंग लोन आ चुका है तो मेरी सैलरी अभी उतनी बच नहीं रही है कि मैं एक 10 लाख का लोन उठाऊं और उसका इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करूं। तो हमने सोचा कि मेरी वाइफ है उसके नाम के ऊपर हम ये लोन जो है वो कार लोन वो बोरो करें और उसका इंस्टॉलमेंट जो है वो मेरी वाइफ की सैलरी अकाउंट में से जाए। अब लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में 10 लाख का कार लोन तो उठा लिया, मगर जो सेविंग्स, जो इन्वेस्टमेंट, जो घर का खर्चा मेरी वाइफ की सैलरी में से हम उठा रहे थे उसका संतुलन जो है वो बिगड़ गया। अब इस कार लोन की वजह से हमारी सेविंग्स पर, हमारी इन्वेस्टमेंट पर भी बुरा इम्पैक्ट गिरा, क्योंकि जितनी हम पहले अमाउंट सेव करते थे या फिर जितनी हम पहले अमाउंट इन्वेस्ट करते थे उससे काफी कम अमाउंट हम सेव या फिर इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर जरूरत ना हो तो पैसे खर्च ना करें, अगर जरूरत ना हो तो लोन के लिए अप्लाई ना करें, पैसे को सेव करना सीखे और साइमल्टेनियसली उसको इन्वेस्ट भी करना सीखे। पॉइंट नंबर थ्री,
डोंट इन्वेस्ट टू सेव योर टैक्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि डोंट इन्वेस्ट टू सेव योर टैक्स। इसका मतलब टैक्स बचाने के लिए अनगिनत इन्वेस्टमेंट ना करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक बेहतर फाइनेंशियल प्लान की मदद से एक वित्तीय लक्ष्य को हासिल करना। अगर आपने देखा होगा कि काफी सारे टैक्स प्लानिंग ये साल के आखिरी क्वार्टर में किए जाते हैं, जिसकी बदौलत आप टैक्स सेव करने के लिए अनचाहे और अनगिनत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं तो टैक्स प्लानिंग जो है वो आपको साल के शुरुआत में करनी चाहिए, ना कि साल के आखिरी क्वार्टर में। यानी अभी मई 2018 शुरू है तो आप आज से अभी से ही साल 2018-19 के लिए एक बेहतर टैक्स प्लानिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहते हैं तो WhatsApp, Twitter, Facebook के जरिए आप ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मुझे पता है मेरी आवाज़ जो है वो अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कोशिश करूंगा कि अगला जो वीडियो है उसमें मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।